लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुलिस ने शिव प्रतिष्ठान के संभाजी भिडे गुरुजी और हिंदू एकता आघाड़ी के मिलिंद एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अनिता सावले की शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, जानलेवा हमला करने, दंगा फैलाने, धारा 144 उल्लंघन करने जैसे आरोप में मामला दर्ज किया है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के पोते और भारत बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर का आरोप है कि 85 वर्षीय संभाजी भिड़े गुरुजी इस पूरी हिंसा के सूत्रधार हैं। उन्होंने 56 वर्षीय मिलिंद एकबोटे पर भी लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। संभाजी भिड़े गुरुजी और मिलिंद एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जांच शिरूर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर प्रकाश आम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव हिंसा के पीछे शिव प्रतिष्ठान और हिंदू एकता आघाड़ी का हाथ होने का आरोप लगाया था। संभाजी भिड़े गुरुजी और मिलिंद एकबोटे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हैं, लिहाजा इस पूरे हिंसक वारदात में नया मोड़ आ गया है। इस बीच संभाजी ब्रिगेड ने बयान जारी कर हिंसक घटना की निंदा की है। इसके साथ ही पूरे मामले के मास्टरमाइंड को खोजने की पुलिस से निवेदन भी किया है। संभाजी भिड़े गुरुजी महाराष्ट्र के सांगली जिले से आते हैं। गुरुजी के नाम से मशहूर संभाजी पुणे यूनिवर्सिटी से एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके अलावा वे मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। साइकिल पर चलने वाले भिड़े गुरुजी की उम्र 85 के पार है, इसके बावजूद वो आज भी तंदुरुस्त हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते हैं। कहा जाता है कि गुरुजी ने आज तक जिस भी नेता का चुनाव में समर्थन किया उसकी जीत हुई है। हालांकि गुरुजी कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेताओं के बीच दबदबा होने के बावजूद उनका ना तो खुद का घर है और ना ही किसी तरह की संपत्ति।